अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, गुजरात कैडर के कौन से आईएएस बीजेपी में शामिल होंगे जिन्होंने हाल ही में बीआरएस लिया था। ए अरविंद शर्मा, बी राजीव शर्मा, सी अरुण शर्मा या डी स्नेहा शर्मा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। क्या आपके बच्चे की उम्र 2 से 12 तक के बीच का है? क्या आपका बच्चा है ड्रामेबाज, करता है ड्रामेबाजी? क्या आपका बच्चा भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर करता है नाटक? क्या आपके बच्चे में भी है स्टेज पर कुछ भी कलाकारी दिखाने का जज्बा? तो आपके बच्चे के अभिनय को हम देंगे मौका दिखाने को प्रतियोगिता के द्वारा। तो बनाइए वीडियो और भेजिए 9709894194 व्हाट्सएप पर। वीडियो भेजने का तिथि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक है। रजिस्ट्रेशन एवं पूरी जानकारी के लिए संपर्क करें 8409181920 पर। मेरे बलमा पड़ो से आड़ो ठंडो कोको कोलो ले आयो। सुल्तानगंज अजगैवी नाथ गंगा घाटों पर मकर संक्रांति को लेकर उमड़ी भक्तों की भीड़। मकर संक्रांति को लेकर सुल्तानगंज के अजगैवी नाथ गंगा घाटों पर बिहार झारखंड के भक्त सुबह से ही गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे थे। भक्त गंगा स्नान कर अजगैवी नाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हुए दिखे, मौके पर दान पुण्य किए। इस दौरान मंदिर के बाबा प्रेमचंद गिरी ने बताया कि बिहार झारखंड एवं कई राज्य से भक्त यहां पहुंचकर दान पुण्य करते हैं, जिससे मनोकामना भक्तों का पूर्ण होता है। इसलिए खासकर मकर संक्रांति के दिन भक्त पहुंचकर गंगा स्नान कर पूजा पाठ करते हैं। श्रीपंत दस नाम जूना खड़ा जगवीनाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर और बाबा जगवीनाथ के महंत प्रेमानंद गिरी। आज मकर संक्रांति का दिन है और दान पुण्य का दिन होता है और तमाम लोग जो है जैसे चावल है, काली तिल है, दान पुण्य करते हैं सब मिला जुला करके। और दान का ही ज़्यादा ही महत्व, सुबह सुबह गंगा स्नान करके 8 बजे से ही शुरू हो गया है और शाम तक चलेगा। और अधिकतर लोग तो बिहार में उतरा इधर जो है मैंने दही चूड़ा का प्रस्था ज़्यादा है और क्षेत्रों में ज़्यादा महत्व जो है खिचड़ी का ही होता है। तमाम बड़े बड़े मठों मंदिरों में तमाम जो है खिचड़ियाँ चलती हैं और इधर का दही चूड़ा दिन में चलता है, शाम को खिचड़ी बनता है इस तरीके से। और दान पुण्य जिसका जो श्रद्धा है वो दान पुण्य करता है और दान पुण्य करने से भगवान सबको मोक्ष प्राप्ति होती है। और गंगा स्नान करके और दान पुण्य करते हैं, सब ब्राह्मणों को देना लेना पड़ता है, जिसका जैसा समर्थ है करना चाहिए, इससे आदमी को मोक्ष मिलता है, प्राप्ति मिलता है, मन को शांति मिलता है। कहां के लोग यहां पहुंचते हैं सर? आज के दिन यहां कहां के लोग पहुंचते हैं? यहां आज का दिन अभी तो लॉकडाउन का कुछ प्रभाव पड़ा है इस बार, नहीं तो जैसे धनबाद है, बोकारो है, सहरसा है, मैंने बिहार राज्य झारखंड राज्य तक के आते हैं आने के, तो यूपी से भी बहुत से लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन के वजह से उत्तर प्रदेश का लोग बाग नहीं आ सके बाहर का लोग, लेकिन लोकल आदमी आ रहे हैं, मधुबनी वगैरह है, सहरसा है, झारखंड है, तो उस राज्य से तमाम लोग गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, अपना दान पुण्य जिसको जो श्रद्धा है वो अपना कर रहा है। नाम सर? नाम 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 महंत प्रेमानंद गिरी। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है।
होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान 15 जनवरी से होगा प्रारंभ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान 15 जनवरी से प्रारंभ होकर माघी पूर्णिमा 27 फरवरी तक चलेगा। विश्व हिंदू परिषद के नवगछिया जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्य के लिए व्यापक रूपरेखा बनाई गई है। देश के 5 लाख गांव 13 करोड़ परिवार के व्यक्तियों तक संग्रह टीम सदस्य पहुंचकर सहयोग राशि प्राप्त करेगी। टीम का गठन राष्ट्रीय प्रांतीय जिला प्रखंड पंचायत एवं गाँव स्तर पर गई है। निधि संगठन के टोली सदस्य घर घर जाकर सहयोग राशि प्राप्त करेंगे। आर्थिक टोली के सदस्य जमा राशि को बैंक में जमा करेंगे। विशिष्ट टोली के लोग समाज के साधन संपन्न लोगों से संपर्क कर बड़ी राशि एकत्रित करेंगे। निधि संग्रह के लिए संग्रह टोली के पास 100 रुपए के 1000 के कूपन होंगे, जिस पर प्रभु श्री राम का तस्वीर एवं प्रस्तावित मंदिर का प्रारूप छपा रहेगा। इच्छुक व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र के बैंक खाते के माध्यम से भी सहयोग राशि भेज सकते हैं। टोली के लोग उन्हें खाता संख्या उपलब्ध कराएंगे। वहीं इस बाबत एक कार्यक्रम का भी आयोजन नवगछिया के पंचमुखी बालाजी धाम में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि घाट ठाकुरवाड़ी के महंत सिया बल्लभ सरन जी महाराज के द्वारा संघनाद किया गया। वहीं इसकी अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण कुमार भगत ने किया। इस अभियान में प्रमुख रूप से मनीष सह प्रमुख मुकुल, संघ चालक विनोद केजरीवाल, प्रमुख प्रहलाद श्रीधर, नंदलाल तिवारी, सुमित भगत, अशोक नंदलाल तिवारी, नंदन ने शिरकत किया। बने राम का धाम, बने राम का धाम, बने राम का धाम, भव्य राम का धाम, भव्य राम का धाम। रंगरा प्रखंड प्रमुख ने किया 5000 कंबल का वितरण। रंगरा चौक प्रखंड के प्रमुख संजीव कुमार उर्फ मोती यादव ने अपने पुत्र यशराज के जन्मदिन और मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आवासीय परिसर में एक समारोह का आयोजन कर 5000 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं मौके पर प्रखंड प्रमुख मोती यादव ने कहा कि वह शुरू से ही आम लोगों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मोती ने कहा कि मानव की सेवा करना ईश्वर की पूजा करने जैसा है। वहीं इस अवसर पर उप प्रमुख पवन यादव, संजय यादव, दिवाकर सिंह, सन्नी यादव, मुखिया मंजू देवी समेत अन्य की भी भागीदारी देखी गई। इस अवसर पर रंगरा के मुरली, भवानीपुर, मदरौनी, सदवा, चापर समेत कई गाँव के जरूरतमंद लोगों के बीच कम्बल का वितरण किया गया। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया और रंगरा क्षेत्र में 3 दिनों तक 5 घंटा बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति। नए विद्युत पोल लगाने के कार्य को लेकर 33 केवी रंगरा और मकनपुर फीटर से 15, 16 एवं 17 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उक्त जानकारी कनीय अभियंता प्रशांत निधि सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मकनपुर चौक से रंगरा तक बिजली के नए पोल लगाए जाने हैं, जिसको लेकर विद्युत आपूर्ति विभाग द्वारा विद्युत बाधित रहेगी, जिसकी वजह से नवगछिया टाउन 1 और 2 के साथ साथ महदतपुर और तुलसीपुर तथा हाई लेवल के कुछ क्षेत्र सहित रंगरा और मुरली तथा मदरौनी में इस दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। नारायणपुर गंगा दियारा के शाहपुर बासा पर किसान की गोली मारकर हत्या। नारायणपुर प्रखंड के नारायणपुर गंगा दियारा के शाहपुर बासा पर बुधवार की देर रात्रि लगभग 1 बजे शाहपुर निवासी किसान मंगली मंडल 45 वर्षीय को अपराधियों ने सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दिया। हत्या की सूचना पर बीहपुर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव एवं भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया मंडलीय अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मंगली मंडल खेतीबाड़ी के लिए दियारा में फूस का मकान बनाकर रहते थे और अपनी पत्नी फूलन देवी एवं पुत्र दीपक कुमार के साथ सोए थे। सोए अवस्था में ही घर आने जाने का रास्ता खुला रहने के कारण अपराधियों ने घर में प्रवेश कर एक गोली कनपट्टी में मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर उनकी पत्नी फूलन देवी जगी तो उसे लगा कि घर में रखा बैटरी फटा है। थोड़ी ही देर में
जब पति के सिर से खून निकलता देखी तो वह घबरा गई और शोर मचाने लगी। उससे उसका पुत्र दीपक भी जगा, लेकिन तब तक अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। मृतक के भाई जंगली मंडल ने बताया कि मेरे भाई मिलनसार थे, उनसे किसी को कोई दुश्मनी भी नहीं थी। खेती करने के लिए हम लोग दियारा में घर बनाकर रह रहे थे। मृतक मंगली मंडल अपने पीछे पत्नी फूलन देवी, पुत्र भीम, दीपक कौशल एवं पुत्री सरिता सहित पूरा भरा परिवार छोड़कर चले गए। वहीं इस घटना से गंगा दियारा में किसानों के बीच दहशत का माहौल देखा गया। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। राघोपुर में मछली विक्रेता को चाकू मारकर किया घायल, 14,000 रूपए भी छीने। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर निवासी कार्य सहनी पिता बोनी सहनी को राघोपुर बिंटोली निवासी रामजी महतो ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना के दौरान कार्य सहनी से रामजी महतो ने 14,000 रूपए भी लूट लिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया, जहां घायल का इलाज किया गया। घायल कार्य सहनी ने बताया कि वह जलकर से मछली खरीद कर घूम घूम कर बेचता है। गुरुवार की दोपहर वह राघोपुर में था, इसी दौरान रामजी महतो वहां पर आया और 400-500 रूपए जबरदस्ती मांगने लगा, जिसका विरोध मेरे द्वारा किया गया। विरोध करने के बाद वह उग्र हो गया और अपने पास रखे चाकू से जान मारने की नीयत से पेट की ओर प्रहार किया, लेकिन वह उससे छिप गया। चाकू जांग पर लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घटना के संदर्भ में उन्होंने परबत्ता थाने में आवेदन दिया है। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बोले भाजपा के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, निंदा प्रस्ताव की बात गलत, जिलाध्यक्ष कर रहे मनमानी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रूपेश रूप ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि नवगछिया भाजपा मुख्यालय में बुधवार को हुए जिला कार्यकारिणी की बैठक में इंजीनियर शैलेंद्र के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं हुई थी और ना ही उनके ऊपर कोई आरोप लगा था, लेकिन जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने मनमानी करते हुए इंजीनियर शैलेंद्र के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने का प्रेस रिलीज जारी किया। यह बेहद शर्मनाक है और भाजपा के संविधान के अनुरूप नहीं है। जिलाध्यक्ष को इस कार्य के लिए बीहपुर विधानसभा की समस्त जनता और नवगछिया जिला संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता से माफी मांगना चाहिए, साथ ही निंदा प्रस्ताव वाले मामले को जग जाहिर करने का खंडन करना चाहिए। रूपेश रूप ने कहा कि इंजीनियर सैलन बीहपुर विधानसभा के सर्वमान्य नेता हैं, उनके विरुद्ध झूठी सूचना जग जाहिर करने के बाद यहां की जनता आहत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितेंद्र कुमार उर्फ गुलाबी सिंह ने कहा कि भ्रामक सूचना को जग जाहिर करना एक घृणित कार्य है। ऐसा कार्य अगर मेरा जिला अध्यक्ष करता है तो वे पार्टी के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला कार्यकारिणी की बैठक में गोपालपुर विधायक के विरोध में प्रस्ताव जरूर पारित किया गया था, लेकिन बीहपुर विधायक के विरोध में प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। गुलाबी सिंह ने कहा कि ऑडियो टेप में खास जाति समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में गोपालपुर विधायक का विरोध जारी है और जारी रहेगा। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया, वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा बर्गर नूडल्स जूस हॉट एंड कोल्ड कॉफी तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रूपए से, साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट, फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया, बड़ी मुश्किल से चिकित्सक ने निकाला बच्चे के नाक में फंसा मोती। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के नवगछिया के कोच मनीष श्याम कुमार के 3 साल के पुत्र मार्शल ने नाक में प्लास्टिक का लंबा मोती फंसा लिया था। काफी प्रयास से जब मोती नहीं निकला तो डॉक्टर संदीप गुप्ता के क्लिनिक पर लेकर गए। क्लिनिक बंद था। डॉक्टर संदीप गुप्ता को फोन पर आग्रह करने पर उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए तनिक देरी ना की और अपने से क्लिनिक खोलकर बड़ी मुश्किल से नाक से मोती को निकाला। वहीं इस कार्य के लिए ताइक्वांडो संघ के महासचिव घनश्याम प्रसाद, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी सह कोच जेम्स मोहम्मद नाजिम, विकास चौरसिया, मोनी कुमारी, खेल संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव, अखिलेश पांडे, अशोक सिंह, बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज भारती आदि ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। रंगरा, शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 मदरूनी चौक पर
शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान मदरोनी निवासी गुलशन कुमार के रूप में की गई। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नारायणपुर, जरूरतमंदों के बीच वीडियो ने बांटे कंबल। नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय नारायणपुर में गुरुवार को वीडियो हरिमोहन कुमार ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। मौके पर उन्होंने निर्मला देवी, शोभा देवी, फोकनी देवी, सुभिया देवी, महासुंदरी देवी, उमदा देवी, बिंदेश्वरी दास, महादेव दास सहित लगभग 40 जरूरतमंद के बीच प्रखंड परिसर में सामाजिक सुरक्षा के तहत कंबल का वितरण किया। मौके पर सीओ अजय सरकार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सुभाष कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क। सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, पोखर के सामने गौशाला रोड, नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी, कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर
राजपूत मंदिर CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।